डॉक्टर काकोली घोष नरसिंहदार जी। प्रणाम सभापति महोदय। मैं अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस की ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि फिर आए। एक्सक्यूज मी एक मिनट निशिकांत जी ब्रीफली। सभापति महोदय इनका नाम बोला था, नाम बोला था। सभापति महोदय ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट को आरबीआई पैसा नहीं देना चाहती। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीबीज के कारण आपकी इकोनॉमी जो डाउन है, आपने एफआरबीएम एक्ट का जो एस्केलेशन कर दिया है, इस कारण से आरबीआई आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। आप अच्छे से इकोनॉमी चलाओ, सब पैसा देंगे आपको। धन्यवाद धन्यवाद मैडम दस्तीदार जी। ये बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। इनका नाम लिया था तो क्या हुआ, बात में नहीं कर रहे मैडम। मैडम डॉक्टर काकोली घोष जी। प्रणाम सभापति महोदय। मैं अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस की ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि देर आए पर दुरुस्त आए। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जो आज के जनता पर भारतवर्ष में हर जनता का और हम सभी को बहुत चिंतित होके रखा है, क्योंकि महंगाई इस जगह पर आए हैं ये सरकार कोई कदम भी नहीं उठाया। महंगाई पर चर्चा करने के लिए इजाजत देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं। आज के दिन में आम जनता पर क्या गुजर रही है ये सरकार को समझना चाहिए। मैं तो सहमत थी, मंत्री महोदय यहाँ है नहीं, जब सत्ते पे नहीं थे तब मंत्री महोदय ने यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एलपीजी सिलेंडर लेके बहुत शोर शराबा किया था, की थी। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है, लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूं क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा। सरकार को सोचना चाहिए। ये हमें कच्चा खिलाने की आदत जो आप लोग डलवाना चाहते हैं, ये बंद कीजिए। ईंधन का एलपीजी का भाव जरूर कमती कीजिए, क्योंकि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है इससे। आपको ये सोचना चाहिए कि मंत्री महोदय कितना शोर शराबा करके सत्ता पे आ गया है, बस भूल गया आम जनता को। कहाँ है सिलेंडर लेके उनका जो जुलूस निकालती थी, बात करती थी, आज यहाँ है नहीं। मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो इसके बाद भी सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर जो GST लगा है। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.